तो हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हमारे पास एक सीआरटी टीवी का किट पड़ा हुआ है। और जो आज जो हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं वो है सीआरटी टीवी के सेक्शनों के बारे में, और उस सेक्शन में फॉल्ट है कैसे आप लोगों को पता करना है ना। तो आप ये देख सकते हैं, लोकल किट है दोस्तों। लोकल किट में सभी सेक्शनों की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप फॉल्ट को ठीक तरह से निकाल पाइएगा कि फॉल्ट यहाँ का है। तो इससे पहले दोस्तों हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि यहाँ से जो करंट सप्लाई आता है, सप्लाई जो यहाँ पे सप्लाई हम लोग देते हैं पिन के माध्यम से, ये देख सकते हैं यहाँ पे से जो सप्लाई हम लोग देते हैं, सॉकेट जो लगे हुए हैं 2 ठो, यहाँ से जो सप्लाई देते हैं वो सप्लाई यहाँ आता है ना। इधर जो आते हैं दोस्तों, ये देख सकते हैं यहाँ पे जो 2 ठो दिया है वह पिन, यहाँ से यहाँ यही है मेन सप्लाई, जो कि हम लोग इसका कनेक्शन डायरेक्ट बोर्ड से देते हैं। बोर्ड से जो वायर आता है 2 ठो, एक वायर आता है तो एक यहाँ जुड़ता है और एक यहाँ जुड़ता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम लोग जैसे कि गए, उसके बाद हम लोग को आगे की ओर जाना है। और सबसे खास बात दोस्तों इसमें यह है कि आप लोगों को जानकारी होना चाहिए कि करंट किधर से आ रहा है और किधर जा रहा है ना। इसके बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, तो आप करते करते आप लोगों को पता चल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और यहाँ देखते हैं कि कहाँ से करंट कहाँ जा रहा है। तो यहाँ से दोस्तों जैसे कि यहाँ पे ये 2 ठो पिन लगा हुआ है, पिन लगने के बाद दोस्तों यहाँ पे ये जो ट्रैक है, देख सकते हैं ट्रैक है, ट्रैक में ही करंट आप लोगों का जाता है दोस्तों, या तो सिग्नल वगैरह जो कुछ भी है यहीं से जाते हैं। और यहाँ से दोस्तों इसे यहाँ पलट के देखिएगा तो यहाँ पे फ्यूज लगा हुआ है दोस्तों, फ्यूज के जरिए जाके इधर कोई भी तरह से कोई शॉर्टिंग वोटिंग हो गया, जैसे कि यहाँ पे पीछे की ओर से डायोड लगाया हुआ है जो कि ये सामने की ओर से लगता है, तो यदि इनमें से कोई शॉर्टिंग हो गया या तो इससे आगे कोई शॉर्टिंग हो गया तो ये फ्यूज अपना उड़ जाता है ना, यानी कि जल जाता है, जिसके वजह से इसका कनेक्शन यहाँ से कट जाता है और आगे की ओर नहीं जा पाता है ना। तो इसीलिए फ्यूज का उपयोग किया जाता है दोस्तों। और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ निकाल दिया गया है, यहाँ पे फ्यूज लगा हुआ था है ना, फ्यूज लगा हुआ था और इसी फ्यूज यहाँ पे लगा रहता है, और फ्यूज लगाने का वही कारण रहता है दोस्तों कि यदि आगे की ओर शॉर्टिंग रहे तो उसको तो जल जाए है ना, और आगे की ओर कोई नुकसान न पहुँचाए, ठीक है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को दिखाएंगे कि यहाँ पे जो कॉइल लगा हुआ है, कॉइल तो एक पिन यहाँ आया और एक दूसरा यहाँ आया, तो यहाँ से सप्लाई यहाँ गया दोस्तों और यहाँ का सप्लाई यहाँ गया, ठीक। उसके बाद यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों, ये वाला ट्रैक को गौर से देखिएगा, ठीक, ये वाला ट्रैक को यदि हम लोग गौर से देखते हैं तो दोस्तों ये देख सकते हैं यहाँ से घूमते हुए आया है यहाँ, और यहाँ पर डायोड में तो माइनस और प्लस यहाँ से बनाता है दोस्तों, ये डायोड का काम है माइनस प्लस बनाना है ना, माइनस को एक तरफ और प्लस को एक तरफ करना होता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हैं पूरा ब्लैक का जो दिया है मार्क, यहाँ इधर इसका हॉट एरिया रहता है, यानी हॉट एरिया यानी कि इसका हाई वोल्टेज रहता है, इधर करंट आता है ना, मेन करंट रहता है, तो इधर गलती से भी हाथ न रखें, करंट लग सकता है और लग जाता है, तो इससे सावधान रहें, इसको इधर को न छूए, लाइट में डाले हो यदि वायर डला हुआ है तो। बाकी दोस्तों आप इधर को टच कर सकते हैं, देख सकते हैं काला काला वाला जो है मार्क, इसके इधर को आप टच कर सकते हैं पर इधर को नहीं करना है, ठीक। तो सबसे पहले हम लोगों को कोई भी सेक्शन को चालू करने के लिए क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ता है दोस्तों, पावर का। तो हम लोग को ये वाला जो है इसको क्या बोलते हैं, पावर सप्लाई, ठीक है ना। पावर सप्लाई के अंतर्गत दोस्तों ये देखिए, यहाँ भी हॉट एरिया है और इसके बाद यहाँ पर कूल एरिया, इधर कूल एरिया, इसको क्या आप टच कर सकते हैं है ना। तो यहाँ पर दोस्तों जो डायोड लगे हैं, 3-4 ठो डायोड लगे हैं, 4 सप्लाई के लिए, हर एक सेक्शन के लिए अलग अलग डायोड लगे हुए हैं। जैसे कि यहाँ पे दोस्तों 110 का ये देख सकते हैं फर्स्ट वाला, 110 वोल्ट का सप्लाई यहाँ पे आता है, और ये सप्लाई कहाँ कहाँ जाता है दोस्तों उसको देख लेते हैं। ये वाला सप्लाई यहाँ पे कैपेसिटर लगा है, कैपेसिटर के बाद यहाँ पे दोस्तों 1 ठो रेजिस्टेंस लगा है, या तो जम्पर कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ से यहाँ और यहाँ से दोस्तों डायरेक्ट आप लोगों का, सॉरी यहाँ से यहाँ और यहाँ से आप देख सकते हैं डायरेक्ट गया है ESD में, ESD यानी कि इसको ESD बोलते हैं दोस्तों, ठीक है, ESD एक्स्ट्रा हाई ट्रांसफार्मर, ठीक, ESD का पूरा नाम। तो यहाँ से फर्स्ट सप्लाई हम लोग को मिल गया 110 वोल्ट दोस्तों। कोई यदि 110 वोल्ट के मिसिंग हो जाने से क्या क्या प्रॉब्लम आता है दोस्तों, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो 110 वोल्ट के सप्लाई के मिसिंग हो जाने की वजह से आप लोगों का ये सेक्शन में ESD बनना, यानी कि करंट बनना बंद हो जाएगा। जैसे कि आपको दिखा दूँ, यहाँ से जो करंट निकलता है कैप पे, जो निकाल दिया गया है ये वाला जो मेन वायर है, यहाँ से देख सकते हैं यहाँ से करंट निकलना बंद हो जाता है, जो कि ये पिक्चर ट्यूब में लगा होता है ना। और दोस्तों
ईएसटी सप्लाई आ जाने के बाद दोस्तों यही सप्लाई दोस्तों यहाँ पे आता है, जो कि यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर लगा रहता है 3 पिन का, है ना, 3 पिन का ट्रांजिस्टर लगा जा रहता है। और अधिकतर दोस्तों ये शॉर्टिंग हो जाता है, शॉर्टिंग हो जाने की वजह से यहाँ पे सप्लाई नहीं आता है और ड्रॉप करने लगता है वोल्टेज, 110 वोल्टेज ड्रॉप करने लगता है। और यदि यहाँ शॉर्टिंग हो गया दोस्तों तो यहाँ वाला जो रेजिस्टेंस लगे होते हैं, ठीक है, यहाँ से यहाँ जो रेजिस्टेंस लगे होते हैं, ये रेजिस्टेंस अधिकतर ख़राब हो जाता है ना, या तो ख़राब नहीं हुआ रहता है तो आपका ये जो वाला जो सप्लाई है जो पूरे सप्लाई को ड्रॉप करने लगता है ना, और आपका कैपेसिटर भी चार्ज होने लगता है, ये वाला मेन कैपेसिटर चार्ज होने लगता है। तो ये सब ये वाला रेजिस्टेंस यदि यहाँ सप्लाई नहीं आ रहा है दोस्तों और यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है और यहाँ नहीं आ रहा है, तो ये वाला यहाँ पे जो लगे हैं रेजिस्टेंस उसको आपको चेंज करना है। चेंज करने से पहले आप लोगों को यहाँ को देख लेना है दोस्तों जो आउटपुट ट्रांजिस्टर है ये शॉर्टिंग तो नहीं है, है ना। इसके बारे में हम लोग बहुत सारे वीडियो बना चुके हैं अपने चैनल में कि किस तरह से चेक करना है ना। तो यहाँ पे दोस्तों सप्लाई आ गया है तो उसके बाद भी ईएसटी नहीं बन रहा है, तो क्या कारण हो सकता है दोस्तों उसके बारे में। सप्लाई यदि आ गया और ईएसटी नहीं बन रहा है तो आपको क्या देखना है दोस्तों, यहाँ पे देखना है आप लोगों को कि ये वाला जो डीटी है ड्राइवर ट्रांसफार्मर, छोटा सा आपको पलट के दिखा दूँ, ये देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों, ये वाला इसका जो 4 पिन को आप लोगों को ध्यान में देखना है दोस्तों, जो कि 5 पिन इसका, 1 2 3 4 5, तो इसका ए वाला जो सिरा है दोस्तों, ए वाला जो दोनों है, ये दोनों में सप्लाई आता है। सप्लाई कितना आता है दोस्तों, 25 से 26 वोल्ट के आसपास यहाँ पे आना चाहिए, है ना। तो ये वाला सप्लाई दोस्तों कहाँ से आया है उसको भी देख लेते हैं। तो हम लोग का जो दूसरा वाला सब पिन है जो कि यहाँ से दिया गया है दोस्तों, यहाँ से, है ना, यहाँ से ये वाला हो गया 110 वोल्ट, और दूसरा वाला, ये दूसरा वाला सप्लाई यहाँ से यहाँ और यहाँ से होते हुए इधर, ठीक है। तो ए वाला जो सप्लाई दोस्तों वर्टिकल सेक्शन में जाता है, वर्टिकल सेक्शन में वही वाला सप्लाई आपका ए वाला पिन में आता है। तो यहाँ पे भी आप लोगों को सप्लाई आना चाहिए दोस्तों, यदि यहाँ ये दोनों में सप्लाई नहीं आया तो फिर आपका लोगों का ईएसटी नहीं बनता है, ठीक है, तो हो गया। और ये वाला दोस्तों इसको हार्जेंटर सेक्शन कहा जाता है, है ना, हार्जेंटर सेक्शन कहते हैं, और चौड़ाई से संबंधित जो भी फॉल्ट आते हैं उसको हार्जेंटर सेक्शन में, उस फॉल्ट को हम लोग खोजते हैं, ठीक। अभी हम लोग थोड़ा सा कॉपी में आप लोगों को बताएंगे इसके बारे में, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के बारे में। तो ये वाला हो गया, और दूसरा सप्लाई यहाँ आता है वर्टिकल सेक्शन में, और वर्टिकल सेक्शन का सप्लाई ही आपके डीटी में जाता है, ठीक है। और तीसरा वाला जो सप्लाई दोस्तों मैं आप लोगों को दिखा दूँ, यहाँ से तीसरा वाला जो डायोड लगे हैं, थोड़ा सा गौर से देखिए, यहाँ ये सब डायोड के संकेत हैं, है ना। तो तीसरा वाला सप्लाई ये वाला दोस्तों जो गया है उसको देखें कहाँ गया है, तो ये घुमा के देखिए दोस्तों आया है तो आपका इधर आया है, यहाँ पे देख सकते हैं तो ट्रांजिस्टर लगा रहता है जो कि इसमें निकाल दिया गया है दोस्तों। ट्रांजिस्टर एक ठो वाला ट्रांजिस्टर 5 वोल्ट बना आता है दोस्तों, और एक ठो 8 वोल्ट, ठीक है, और वो दोनों 5 वोल्ट वाला सप्लाई डायरेक्ट दोस्तों यहाँ पे आता है आपके मेमोरी आईसी में। एक बार इसको पलट के आप लोगों को दिखा देते हैं, मेमोरी आईसी देखिए कहाँ पर लगा है। तो मेमोरी आईसी दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो छाया पड़ रहा है ये देख सकते हैं, ये मेमोरी आईसी इसके पिन में आता है, ठीक है, ये वाला, और 8 वोल्ट यहाँ आता है मेन आईसी में, ठीक है। तो यहाँ कंप्लीट हो गया। तो आप लोगों को यदि मान लीजिए दोस्तों आपके में मेमोरी ऐसी में सप्लाई नहीं किया 5 वोल्ट, तो आप लोगों को यहाँ पे जो लगे हैं ट्रांजिस्टर दो इनको चेक करना है, ठीक है। और चौथा जो सप्लाई दोस्तों वो कहाँ जाता है उसको देखते हैं। चौथा जो सप्लाई इसका वो आता है साउंड सेक्शन में, है ना, साउंड सेक्शन में। तो मुख्य रूप से दोस्तों इसमें देखा जाए तो 3-4 ही सेक्शन होते हैं, एक तो पावर सप्लाई का हो गया, ठीक, दूसरा आपका हो गया ईएसटी सेक्शन, ठीक, तीसरा वर्टिकल सेक्शन, और चौथा आपका साउंड सेक्शन, ठीक। और बाकी दोस्तों ये वीडियो सेक्शन है, जो कि वीडियो से कोई भी यदि फॉल्ट आता है, आप इनपुट लेते हैं और आपने वीडियो नहीं दिखाई देता है, सामने स्क्रीन में चित्र वगैरह नहीं आता है, तो डायरेक्ट मैंने इसी को आप चेंज कर दें। यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को कैपेसिटर छोटा सा 1U50 वोल्ट का दिखने को मिल सकता है वीडियो वाली ट्रैक लाइन में, और एक तो जीना डायोड को ओपन करके चेक करके देखते हैं दोस्तों, जैसे कि आप ट्रैक को मिलाते जाइएगा तो आपको मिल जाएगा, और बाकी कुछ नहीं रहता है। यदि जीनर ठीक है, आपका कैपेसिटर ठीक है, तो आप डायरेक्ट ही मेन आईसी को चेंज कर दें, है ना। तो हो गया, मुख्य रूप से 4 सेक्शन होते हैं दोस्तों। ये वाला हो गया पावर सप्लाई, वर्टिकल सेक्शन, हॉरिजॉन्टल सेक्शन, और ये आपका साउंड सेक्शन, और ये वीडियो सेक्शन, है ना। तो सभी सेक्शनों को काम करने के लिए ये जो मेन आईसी है दोस्तों, इसका कनेक्शन सभी सेक्शनों से जुड़ा हुआ है, जैसे कि आपके यहाँ पे आपका एवीएल सप्लाई यहीं से दिया जाता है, जो कि एवीएल सप्लाई को एवीएल सिग्नल बोलिए उसको, सिग्नल
दिया जाता है। और इसके इसी आईसी से यहाँ पे जो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर लगे हैं है ना, ट्रांजिस्टर की एक साइड सिरा में यहाँ पे दिया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ से रेजिस्टेंस लगा के घुमा फिरा के आपके इसी आईसी में दिया गया है, ठीक है। तो ये सभी सेक्शन को सिग्नल देता है। अब सिग्नल क्या चीज़ है दोस्तों, उसके बारे में भी हम बात करेंगे, या तो अगले वीडियो में बात कर सकते हैं, है ना। वीडियो लंबा यदि हो जाता है तो अगले सेक्शन में बात करें। दूसरा बात दोस्तों, जैसे कि मैं बताया आप लोगों को, ये सभी सेक्शनों को सप्लाई सिग्नल देता है। तो पहला सिग्नल तो आपके ये वाले सेक्शन पहुंच गया, हाजेंटा सेक्शन में। हाजेंटा सेक्शन में दोस्तों ये भी सप्लाई हो गया, और जैसे कि यहाँ पर जो ट्रांजिस्टर है इसको भी सिग्नल देता है ना, तभी ये ऑन होता है। और दूसरा दोस्तों, इसके जो वर्टिकल सेक्शन हो गया, वर्टिकल सेक्शन में भी आपके पिन नंबर यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, इसका 3 1 2 3 3 में यहाँ पे भी सिग्नल आता है दोस्तों, और इसके ऊपर वाले पॉइंट में भी सिग्नल आता है ना। तो यहाँ भी सिग्नल दिया जाता है मेन आईसी के जरिए। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे साउंड सेक्शन में भी दिया जाता है। साउंड सेक्शन में यहाँ से जब हम वीडियो ऑडियो इनपुट करते हैं दोस्तों, इनपुट यानी कि आना है ना, लेना, आउटपुट यानी कि देना है ना, इनपुट यानी लेना, आउटपुट यानी देना होता है, ठीक है। जैसे कि हम लोग इनपुट डालते हैं यहाँ, तो ये इनपुट लेता है, निकल लेता है अपने में, और फिर इसको उसको आउट करता है, आउट करता है, और उसके बाद देखता है, देता है साउंड सेक्शन में, है ना। और साउंड सेक्शन में दोस्तों उसी जो ऑडियो आता है उसको बढ़ा के यानी कि एम्पलीफाई करके ये बढ़ा के आगे कर देता है, जो कि स्पीकर में, ठीक है। और इससे पहले दोस्तों और एक आप लोगों को इम्पोर्टेंट बात बता दें दोस्तों, आपको कैसे पता करना है कि कौन सा सेक्शन है। तो जैसे कि यहाँ पे हम लोग को देखने को मिलता है 2 स्पीकर का कनेक्शन, ठीक है, 2 स्पीकर का कनेक्शन देखने को मिलता है। यहाँ से ये जो कनेक्शन दोस्तों आप देख सकते हैं, 2 कनेक्शन है। तो ये वाला जो भाग है दोस्तों, ये वाला भाग यहाँ पे जो मेन कार्य जो करता है आईसी करता है, और आईसी के माध्यम से यहाँ हम लोग को जो साउंड मिलता है वो डायरेक्ट कहाँ जाता है, स्पीकर में। तो इसके कनेक्शन को देख के हम लोग समझ सकते हैं कि दोस्तों ये साउंड सेक्शन है, ठीक है, ये हो गया। और वर्टिकल सेक्शन दोस्तों यहाँ पर 4 पिन दिए हुए हैं, ये देख सकते हैं 4 जो कि इधर से दिखा दें, 4 पिन दिए हुए हैं। तो जो ये कॉइल रहते हैं दोस्तों, उनमें से 2 वर्टिकल के लिए रहते हैं और 2 हॉरिजॉन्टल के लिए रहते हैं, क्योंकि वर्टिकल सप्लाई भी ज़रूरी है और हॉरिजॉन्टल भी ज़रूरी है। वर्टिकल यानी लंबाई और हॉरिजॉन्टल माने चौड़ाई, यानी कि वर्टिकल माने कि लंबाई से संबंधित जो भी प्रॉब्लम आए, लंबाई का कार्य जो करता है वो वर्टिकल करता है, चौड़ाई का कार्य जो करता है वो हॉरिजॉन्टल करता है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों 1 2 3 4, ठीक है, 4 दिया हुआ है। तो ये इधर का दोस्तों जो गैप है देख सकते हैं, जहाँ पर गैप दिया रहता है ये वाला, तो एक गैप वाला यहाँ, ये वाला और ये वाला, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल से ही निकला हुआ रहता है, ठीक, ये वाला और ये वाला। तो आप देख सकते हैं आउटपुट ट्रांजिस्टर के बीचों बीच से एक पॉइंट निकला हुआ है ये, और दूसरा ये वाला, ठीक, जो कि इसी सेक्शन में जुड़ा हुआ है। और बाकी हम लोग दूसरा जो देखेंगे दोस्तों, दूसरा कनेक्शन, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला और ये वाला, तो ये वाला डायरेक्ट आप लोगों का यहाँ से कनेक्शन जाएगा दोस्तों, ठीक है, ट्रे को मिलाइएगा तो आप लोगों को क्लियर पता चल जाएगा दोस्तों। तो ये वर्टिकल सेक्शन, इसका कनेक्शन जहाँ पर जाके जॉइंट रहता है दोस्तों, वो वाला रहता है वर्टिकल सेक्शन, है ना। तो इसको भी आप देख के समझ सकते हैं कि ये वाला सेक्शन वर्टिकल सेक्शन है और ये वाला सेक्शन हॉरिजॉन्टल सेक्शन है, ठीक है। इसका ये 2 का कनेक्शन वर्टिकल सेक्शन में गया है और ये 2 का कनेक्शन हॉरिजॉन्टल सेक्शन में, ठीक है। तो आप लोगों का ये वाला क्लियर हो गया दोस्तों, हॉरिजॉन्टल सेक्शन की पहचान और वर्टिकल सेक्शन की पहचान, साथ में साउंड सेक्शन की भी पहचान हो गया। तो और इधर आप लोगों का वीडियो सेक्शन जो है दोस्तों, वीडियो से संबंधित जो भी फॉल्ट आते हैं वो यहाँ ये मेन आईसी से आते हैं, है ना। और थोड़ा सा कॉपी की ओर चलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं, थोड़ा सा लाइट के बारे में बताएंगे और वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल के भी बारे में बताएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, छोड़ के गए जाइएगा तो फिर आप ही लोगों का नुकसान होगा और फिर नहीं समझ पाइएगा। और जितना ज़्यादा देखिए इस फील्ड में है, तो आप लोगों को एकदम ध्यान से देखना है दोस्तों कि किस चीज़ को हम लोग बता रहे हैं, है ना। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट देखिएगा, अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए अब चलते हैं कॉपी में। तो कॉपी में हम लोग आप लोगों को बताएंगे दोस्तों वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल के बारे में। तो पिछले वीडियो में भी मैं बताया था दोस्तों कॉपी में और कॉपी में, तो ये दोस्तों जैसे कि टीवी हो गया अपना, है ना, और ये 2 टीवी हो गया, ठीक, स्क्रीन हो गया। तो यहाँ पे ये दोस्तों इस टाइप से पिक्चर आ रहा है, पिक्चर इस टाइप से आ रहा है, लाइनिंग मान लीजिए लाइनिंग आ रहा है, तो ये या तो इतना में ही दिख रहा है। तो ये वाले फॉल्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल फॉल्ट, ठीक है। और दोस्तों इस टाइप से फॉल्ट आ रहा है तो इसको हम लोग या तो इतना में ही दिखाई दे रहा है, चाहे इतना में, चाहे कोई भी प्रॉब्लम आए, तो इसको बोलेंगे वर्टिकल
फॉल्ट। ठीक है, तो दोस्तों आप लोगों को क्लियर पता चल गया, यदि इस टाइप से फॉल्ट आया तो आप लोगों को हर जेंटर सेक्शन को चेक करना है। जैसे कि यहाँ पे ये देख सकते हैं, यहाँ पे बूस्टर वगैरह जो लगे हैं वो चौड़ाई बढ़ाने का काम करते हैं दोस्तों। इधर का इधर वाला कट जा रहा है या तो इधर कट जा रहा है, तो चौड़ाई बढ़ाने का काम करता है। और वर्टिकल सेक्शन दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, वर्टिकल सेक्शन इस टाइप से फॉल्ट आए, यानी कि लाइनिंग आ जाए या तो इतना भी दिखे बीचों बीच में, ऊपर की ओर कटे चाहे नीचे की ओर कटे, तो वो वाला वर्टिकल सेक्शन में देखेंगे। इससे पहले दोस्तों एक और मैं आप लोगों को जानकारी दे दूँ कि जो हम लोग करेंट जो जाता है दोस्तों, हम लोग का इस टाइप से जाता है ना, तो सबसे पहले तो ऐसे ऐसे जाता है। ठीक, ये हो गया एसी करंट, है ना, एसी करंट हो गया। तो ये हो गया आपका प्लस और ये हो गया माइनस। तो दोस्तों ये जो करंट है दोस्तों, इसमें करंट किस तरह से, करंट क्या होता है, कैसे होता है, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बताएंगे। लेकिन उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी आप लोगों को दे दूँ कि यहाँ पर जो करंट है दोस्तों, ये करंट बहता है, है ना। और इस करंट में दोस्तों बहुत छोटे 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 इतना छोटे छोटे कांट रहते हैं दोस्तों कि हम लोग इसको देख नहीं पाते और इसको इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि ये कितना छोटा कण होता है ना। किसी वैज्ञानिक ने भी इसको नहीं बता पाया है कि इसमें कितना छोटा इसका कण होता है ना। उसको नापने के लिए कोई यंत्र भी नहीं बना, आज तक नहीं बना है कि उसको नाप सके कि ये इतना छोटा साइज का है ना। तो यहाँ से और इसका संख्या इतना ज़्यादा रहता है दोस्तों, इतना संख्या ज़्यादा रहता है कि ये मान लीजिए यहाँ पे जा रहे करंट, तो ये इधर 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 उधर भागते रहते हैं। कितना दूर तक फैला के भागता है इसका कोई वो चीज़ नहीं है। इसीलिए इसमें प्लास्टिक के कोटेड किए रहते हैं दोस्तों, ताकि करंट एक दिशा में जाए, बाहर ज़्यादा ना भागने पाए, है ना, इस टाइप से। तो एक बार फिर से आप लोग को इस टाइप से हम लोग अपना वायर रहता है दोस्तों, ये देख सकते हैं, और इसके बीच में वायर रहता है। वायर के जरिए हम यहाँ पे करंट देते हैं और करंट बहुत छोटे छोटे वो चीज़ में रहते हैं। तो आगे जाके दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो कॉइल ट्रांसफार्मर लगे हैं जिसको चपर वगैरह बोलते हैं, तो ये वाला दोस्तों या तो कोई भी, तो यहाँ पे देख सकते हैं ट्रांसफार्मर के जैसे दिखाई दे रहा है दोस्तों, जो कि ट्रांसफार्मर ही एक तरह से है। और नॉर्मल जो ट्रांसफार्मर रहते हैं वो सेम ही रहते हैं दोस्तों। तो इसका वाइंडिंग दोस्तों ट्रांसफार्मर इस टाइप से रहता है, देख सकते हैं, ये इस टाइप से रहता है दोस्तों, है ना। यहाँ आप हम लोग सप्लाई देते हैं तो ये वाला डायरेक्ट यहाँ आता है। यहाँ पर जो कि ट्रांजिस्टर वगैरह एसटीआर वगैरह लगे रहते हैं। दूसरा दोस्तों इसके बीच में जो होता है वो गैप होता है ना। तो अपने को एक पिन इसका ग्राउंड रहता है और दूसरा वाला जो पिन है दोस्तों, यहाँ पे जितना ज़्यादा वाइंडिंग रहेगा दोस्तों उतना ही ज़्यादा यहाँ पे सप्लाई निकलेगा, यानी कि यहाँ पे ज़्यादा कॉइल को लपेटा जाता है तो फिर यहाँ पे ज़्यादा करंट निकलेगा, और यहाँ पे कम तो उससे कम निकलेगा, और यहाँ उससे भी कम तो उससे भी कम निकलेगा। तो यहाँ से जो सप्लाई जाता है दोस्तों, वो सप्लाई का कुछ कण इधर उधर फैलते रहते हैं। मान लीजिए यहाँ से दिए तो इधर उधर गए, इधर उधर गए, तो ए वाला को ये ऑटोमेटिक कैच कर लेता है, मैग्नेटिक तरीके से अपनी की ओर कैच कर लेता है, और यहाँ पे अपने को सप्लाई मिल जाता है जैसे कि 110 वोल्ट। ठीक है, और ये वाला एसी करंट रहता है दोस्तों, क्योंकि यहाँ से जब हम इसको डीसी में दिए, डीसी सप्लाई दिए, तो और यही वाला डीसी सप्लाई यहाँ पे जाके एसी के रूप में आ गया, क्योंकि ये यहाँ से कनेक्ट नहीं है, है ना। तो इस तरह से होता है दोस्तों। और करंट के जो छोटे छोटे कण होते हैं दोस्तों, वो सभी ट्रेकों में फैल जाते हैं। और साथ ही में इसमें दोस्तों सिग्नल आते हैं उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। आप लोगों को लाइट के संबंधित और इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित सभी प्रकार की जानकारियाँ दी जाएंगी। तो वीडियो को स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।